एंड बना रहे थे उसको ज़रा हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। जल्दी से ज़रा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हम चला के देख लेते हैं। npm run dev और npm start, ठीक है जी। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मैंने रन कर दिया। हाँ भाई कोई कुछ कह रहा है क्या? और ये मैंने लॉगिन का बटन प्रेस कर दिया तो मेरे पास ये सारे यूज़र्स आ चुके हैं। और हमने लास्ट टाइम यहाँ तक का काम कर लिया था कि डेटाबेस से हमने फुल टेक्स्ट सर्च करके यूज़र मंगवा लिए थे, ठीक है। ये हमारे पास काम कर रहा है, जो मलिक जितने भी नामों में था वो सब आ गए यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से हमने लास्ट टाइम ये भी काम कर लिया था कि किसी एक नाम पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे एक दूसरी स्क्रीन पे लेकर आ जाए, और जब मैं इस स्क्रीन पे आऊँ तो मेरे पास यूआरएल में इसकी आईडी भी शो हो रही हो। ये हमने रिएक्ट राउटर डॉम के ज़रिए ये काम किया था। और यहाँ पे आने के बाद अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम ये है कि इस आईडी के साथ मेरी जितनी भी कन्वर्जेशन पहले हो चुकी है मैं उसको यहाँ पे गेट करके डिस्प्ले करवा दूंगा। और मेरे पास एक अदद यहाँ पे इनपुट बॉक्स होगा जिसमें मैं नया मैसेज लिख के टाइप करूँगा, तो इसी बंदे को जाना चाहिए जिसकी आईडी टॉप पे आ रही है, ठीक है। तो ये दो काम करने हैं तो उससे हमारी ये चैट ऐप इंशाल्लाह फिर कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अच्छा भाई, अच्छा तो ये थी हमारी चैट स्क्रीन जो हम लास्ट बना रहे थे। तो इस चैट स्क्रीन पे मैंने सेंड मैसेज का एक्चुअली फंक्शन बना लिया था और एक गेट मैसेज का भी फंक्शन बना लेते हैं, सही है। जिस तरह ये सेंड मैसेज है इसी तरह गेट मैसेज होगा हमारे पास, जो कि यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर बना हुआ होगा, सही है। गेट मैसेजेस ऐसा होगा इसके अंदर हमारे पास। और गेट मैसेजेस में ये प्रीवेंट डिफॉल्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्म के सबमिशन पे नहीं चल रहा, सही है। सब लोग गेट कर पा रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? गेट मैसेजेस का एक फंक्शन है, इसमें एपीआई क्या कॉल होगी? मैसेजेस के साथ कॉल होगी, और इसमें पोस्ट की जगह गेट की रिक्वेस्ट होगी ऑब्वियसली। और मैसेजेस के बाद मुझे ये बात भी बतानी पड़ेगी कि मैसेजेस कौन से वाले गेट करने हैं मुझे। मैसेजेस तो मुझे गेट करने हैं, बट दो चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी कि मैंने और किस बंदे से बात की है वो वाले मैसेज। ये दो बातें मुझे यहाँ से कन्वे करनी पड़ेंगी। अच्छा, मेरा जो आईडी है वो तो टोकन में मौजूद है तो वो मुझे यहाँ से भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिससे से मैं बात कर रहा हूँ उसकी आईडी मुझे भेजने की ज़रूरत है यहाँ से, सही है ना, ताकि उसी से कन्वर्जेशन मेरी उठ कर आए, क्योंकि मैंने तो और भी बहुत सारे लोगों से बातें की हुई हैं। अब वो डेटाबेस में इस चीज़ को कैसे देखेंगे वो अभी आगे की बात है, लेकिन मुझे एटलीस्ट यहाँ से भेजना पड़ेगा ये डेटा कि किसके साथ वाली कन्वर्जेशन उठा के लाए, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हम तमाम मैसेजेस उठा के लें और यहाँ लाके फिल्टर करें। हम डेटाबेस से निकालेंगे जस्ट वो वाले मैसेज, क्योंकि डेटाबेस का काम ही यही होता है कि हमें क्वेरी करके करेक्ट डेटा ला कर दे। तो मैंने कहा कि स्लैश, मे बी यहाँ पे मैं स्लैश लगा सकता हूँ या मैं उसको बॉडी में भी भेज सकता हूँ इस बात को, ठीक है। तो गेट की रिक्वेस्ट है तो मेरा ख्याल है स्लैश पे कर लेते हैं। क्या ख्याल है, क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा? जो अभी तक इतना आपने पढ़ा है उससे आपको आपका क्या ख्याल है कि ये कौन सी वाली चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगी? बॉडी में ये बात भेजूँ मैं या स्लैश लगा के भेजूँ? आईडी भेजनी है, जो जो मेरा रेसिपिएंट है ना उसकी आईडी भेजनी है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी आईडी भेजनी है। गेट में बॉडी यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये देखो, असल जवाब इसका ये है कि इस चीज़ का ताल्लुक उस डेटा की सेंसिटिविटी से है। अगर वो डेटा सेंसिटिव है तो मैं कभी भी यूआरएल में रख के या हेडर में रख के या क्वेरी पैरामीटर में रख के नहीं भेजूंगा। तो क्या ये डेटा सेंसिटिव है? सामने वाला बंदा है, उसकी एक यूनिक आईडी है, क्या ये सेंसिटिव डेटा है? नहीं है ना सेंसिटिव डेटा, क्योंकि डेटा उसका है, पता मुझे है, तो इसका मतलब सेंसिटिव नहीं है। फेसबुक भी, आप जब फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल खोलते हो या किसी की भी प्रोफाइल खोलते हो तो facebook.com/ और उसके बाद वो आईडी आ रही होती है आपकी, दैट इज़ पब्लिक डेटा। तो क्योंकि ये पब्लिक डेटा है तो मैं इसको यूआरएल में रख के भेज सकता हूँ। अगर ये सेंसिटिव होता तो फिर मैं गेट की रिक्वेस्ट ही चेंज कर देता। जो आपने बात सही बोली है कि मैंने पहले जिक्र किया था कि गेट के अंदर बॉडी आमतौर पर नहीं भेजते हम, हालांकि भेज सकते हैं, भेजेंगे तो जाएगी बॉडी, लेकिन भेजते नहीं, ये बैड प्रैक्टिस है। तो
तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं गेट से ही पोस्ट कर दूंगा इसको। जैसा कि आपने देखा कि वो फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड में हमने कहीं पे भी गेट का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हर जगह पोस्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जहाँ पे फिर हमें सेंसिटिव डेटा भेजना होता है वहाँ पे हम URL में नहीं भेजते, और अगर गेट होता है तो उसको पोस्ट बना देते हैं। अच्छा, तो मैं इसको स्लैश लगा के ना इसको ID यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ID प्रोवाइड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उठाई हुई है ID करके, और ये मैंने यहाँ पे पास करवा दी। ठीक है, ये कांस्टेंट है ऊपर, शुरू में ही ये मुझे मिल जाएगा ये वाला कांस्टेंट। अच्छा, ये एक चीज और भी अच्छे से समझ लो, ये वाला जो काम है ना, शायद मुझे ये काम भी यूज इफेक्ट के अंदर करना चाहिए, क्योंकि जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये कोड दोबारा चलेगा, जो कि शायद मुनासिब नहीं है। ठीक है, वेल मेरा ख्याल है कि शायद इसको भी हमें यूज़ इफेक्ट के अंदर करना चाहिए इस काम को। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो थी वहाँ पे उन्होंने कैसे करना बताया हुआ था, वहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि कैसे करना बताया हुआ उन्होंने ये काम। अच्छा, इन्होंने तो ये यूज़ इफेक्ट में नहीं करना बताया, चलो इसका मतलब है कि यूज़ इफेक्ट से ताल्लुक़ नहीं है इसका। ठीक है, वेल मे भी हो सकता है मुझे ये ना यूज़ इफेक्ट के अंदर ना मिले, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर करूँगा फिर ये वाला काम। ओके, तो मैंने ये ID पास कर दी कि मैंने कहा इस वाले बंदे से जो मेरी कन्वर्जेशन हुई है ना वो मुझे ला कर दो। अच्छा, टू वगैरह इसमें नहीं होगा क्योंकि ये गेट की बॉडी है हमारे पास, एक अदद सही हो गया। रिस्पॉन्स जो भी मेरे पास आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसको मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक होगा मैसेजेस। ठीक है, ये कॉन्वर्जेशन। ठीक है, सेट, यार आपस में बातें नहीं करो बच्चों, सेट कॉन्वर्जेशन करके ना मैं इसको पूरे के पूरे डेटा को सेट कॉन्वर्जेशन में डाल दूंगा, ताकि मैं क्या करवा सकूँ, इसको डिस्प्ले करवा सकूँ। जैसे ही पेज लोड होगा ये तमाम कन्वर्जेशन गेट हो जाएगी, और गेट होके क्योंकि मैंने उसको नीचे मैप किया होगा तो वो डिस्प्ले भी हो जाएगी। ठीक है, गेट मैसेजेस को नीचे मैं कॉल कर देता हूँ। ये चैट स्क्रीन है मेरी, तो चैट स्क्रीन की क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया था यूज़र वाली स्क्रीन से ना, तो ये नीचे यूज़र वाला काम हुआ है सारा, तो मैं इसको क्या करूँगा, अब ये यूज़र्स डॉट वो नहीं होगा, मैप नहीं होगा, अब ये क्या होगा, कॉन्वर्जेशन डॉट मैप होगा एक्चुअली अभी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक्चुअली वो वाला सारा रूल अप्लाई होगा कि भाई अगर शुरू में जब लोड हो रही होगी कन्वर्जेशन, तो जब तक हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि यार लोडिंग दिखाना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ यूज़र्स लिखा हुआ है मैं वहाँ वहाँ पे कन्वर्जेशन कर दूँगा, कन्वर्जेशन कर दूँगा ये वहाँ पे मैं कन्वर्जेशन कर दूँगा, और इसका मतलब है कन्वर्जेशन को मुझे शुरू में नल रखना चाहिए फिर, राइट। कन्वर्जेशन शुरू में नल रखूंगा तो जब भी मुझे पता लगेगा, ठीक है कन्वर्जेशन शुरू में नल है, तो कन्वर्जेशन को मैंने शुरू में नल रखा है, तो ये नल ट्रू होगा तो लोडिंग लिखा हुआ आएगा। उसके बाद क्या होगा, सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, और सर्वर पे जब रिक्वेस्ट रिटर्न आएगी तो या तो उसमें एरे में डेटा आ जाएगा यानी तमाम मैसेजेस, और या तो उसके अंदर एम्प्टी एरे आ जाएगा। तो अगर तो एम्प्टी एरे आता है तो फिर ये देखना शुरू हो जाएगा, और अगर डेटा आता है उसमें तो ये देखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि मेरा जो आने वाला मैसेज है वो किस तरह का होगा, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, div बना देता हूँ जस्ट एक, और अभी तो मैंने क्योंकि डेटाबेस में उसका स्कीमा भी तैयार नहीं किया कि वो होगा कैसा, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ईच मैसेज। ठीक है, मैं लूप चला तो रहा हूँ उस कॉन्वर्जेशन पर, लेकिन मैं एक्चुअली उस कॉन्वर्जेशन को डिस्प्ले नहीं करवाऊँगा, मैं जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि ईच मैसेज, और की भी पास कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि वो एरर ना दे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा मेरे पास, इसको क्या हुआ, सेट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। सेट यूज़र कौन सी लाइन में, 46।
46 अच्छा यहाँ पे ऑब्वियसली सेट यूज़र नहीं होगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ सेंड मैसेज कर रहा हूँ ना, तो सेंड मैसेज का जो मुझे रिस्पॉन्स शायद नहीं चाहिए होगा, कि मैसेज सेंड हो गया कि नहीं हो गया इसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए होगा, या मे भी मुझे चाहिए होगा कि जब तक मैं लोडिंग दिखा दूँ कि यार सेंड हो रहा है अभी, वेल अभी फ़िलहाल मुझे शायद ये नहीं चाहिए तो मैंने उसको हटा दिया। ये क्या हो रहा है अभी, इसको कॉन्वर्जेशन डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, अभी अब क्या मसला हो गया, इसको लेंथ तो है ही नहीं फिर क्यों, इसको तो मैंने इफ की कंडीशन में लगाया ना कि कॉन्वर्जेशन डॉट लेंथ हो तभी जो है वो, ये कौन सी लाइन नंबर पे दे रहा है एरर, लाइन नंबर 60 पे ही दे रहा है, इधर ही दे रहा है। इसको लगाने का प्रॉपर तरीका ये है कि मैं करूँगा कि कॉन्वर्जेशन एंड एंड और कॉन्वर्जेशन डॉट लेंथ, अब ये कोड शायद ब्रेक ना हो, शायद क्या ऑब्वियसली अब ये, अब इसको एक और मसला हो गया। अच्छा अब ये 60 क्यों भाई, ओके गॉट इट, ये वही वाला मसला हो रहा है जो हमारे साथ यूज़र के पेज पे हुआ था, वो जब रिक्वेस्ट जाती है ना तो रिस्पांस में क्या होता है कि वो एक HTML आ जा रहा है रिस्पांस में, जिसकी वजह से ये कॉन्वर्जेशन जो है वो क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, मतलब ट्रूथ ही वैल्यू बन जा रही है ये, तो ये वाला जो मेरा काम नहीं कर रहा। अच्छा वो क्योंकि स्ट्रिंग में तो डॉट लेंथ भी मिल जाता है उसके ऊपर, तो इस वजह से वो कोड मेरा ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा इसका शायद कुछ हमें जो प्रॉपर हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम आ गया ये एरर, तो इसका शायद प्रॉपर हल ये है कि मैं जो है ना यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स का वो चेक करूँगा कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, सही है, मैं ये चेक करूँगा कि भाई रिस्पॉन्स का स्टेटस 200 होना जब ही इस पर कुछ सेट करो, अदरवाइज़ कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो क्या करो, इसको एम्प्टी सेट कर दो, सेट कॉन्वर्जेशन को एम्प्टी एरे सेट कर दो, सही है, शायद ये मेरे लिए बेहतर तरीका रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भेज तो रहा है HTML। यार इसको अभी भी मसला है यार, डॉट स्टेटस नहीं मिल रहा डायरेक्ट, नहीं नहीं डेटा डॉट स्टेटस का होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ही होगा। अच्छा चलो हम यहाँ देख लेते हैं नेटवर्क के टैब में ना कि क्या मिल रहा है इसमें, अच्छा यार 301 मिल रहा है स्टेटस, यहाँ पे 301 मिल रहा है, लोगोलेस कॉलन स्लैश स्लैश मैसेजेस, अरे 200 ये क्या बकवास है यार, ये तो मैंने API बनाई भी नहीं है अभी, ये 200 कैसे आ रही है, रिस्पॉन्स में एक HTML आ रहा है और स्टेटस 200 है, लेवल देख रहे हो फिर इसका। ये क्या सीन है यार, ओके आई गॉट इट, ये पता है क्यों हो रहा है, ये वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अपने सर्वर के लास्ट में ना वो HTML लगाया हुआ था, याद है, क्योंकि हमारे सर्वर पे ही हमारा जो है वो फ्रंट एंड भी होस्ट हो रहा है, तो वो किसी से मैच नहीं होता ना, तो लास्ट में जाके बजाय 404 होने के वो HTML का पेज उठा के ले आता है, और HTML का पेज जब वो उठा के लाता है तो दैट इज़ 200 ऑब्वियसली, तो सही तो ला रहा है ये रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 404 तो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने सिंगल पेज के हिसाब से सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है, तो ये कभी भी 404 नहीं होगा, नहीं हमें वैसे तो हम जब API बना लेंगे तो वो API से हिट होके ही आएगा, अगर अभी तो लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं होगा तो शुरू में ही 401 हो जाएगा, और लॉगिन जब होगा तो इस API से टकरा के फिर इसी का ही डेटा या रिस्पॉन्स जो भी एरर है वो लाएगा, तो जब तक API नहीं बनती हम इसका कोई हल नहीं है हमारे पास, जब तक हम API बना नहीं लेते ना इसको हम टैकल नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की लॉजिक लगाऊं कि यार जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एरे ही हो काइंड ऑफ,
तो फिर ये मसला हो जाएगा सर सेट। लेकिन एरे चेक करने के लिए फिर मैं लेंथ तो नहीं लगा सकता, फिर मुझे टाइप लगाना पड़ेगा, और टाइप के ज़रिए एरे चेक नहीं कर सकते हम ना, ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि एरे का टाइप। तो वो थोड़ी सी मुझे इस एरे वगैरह की कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो डीप लेवल पे जाके चेक करते हैं कि ये वाकई एरे है या नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो आपको चेक करके बता देती हैं कि एरे है या नहीं है। तो वेल, मैं उन चीज़ों को अभी इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। सर्वर पे चल के हम क्या करते हैं, यूज़र स्कीमा जैसे हमने बनाया हुआ है इसी तरह हम क्या करेंगे, अब ओटीपी स्कीमा भी बनाया हुआ है, हम यहाँ पे मैसेजेस का स्कीमा बनाएंगे। ठीक है, यूज़र वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यूज़र स्कीमा को ही कॉपी कर लिया डुप्लीकेट, और इसका मैं नाम अब क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं इसको बोलूँगा कि चैट नहीं, मैसेजेस स्कीमा। ठीक है, मैसेजेस स्कीमा। ठीक है, और इसके मॉडल का मैं नाम रख दूंगा कि ये है मैसेजेस, और इसको मैं लिखूंगा मैसेज ड्यूरिंग मैसेज मॉडल। सही है, मैसेज मॉडल को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया ताकि किसी भी फाइल पे मैं उसको ना इंक्लूड कर सकूँ दोबारा। अच्छा, मैसेज में मुझे चाहिए होगा एक तो फ्रॉम, सही है, एक चाहिए होगा टू, कि किसने मैसेज भेजा और किसको भेजा। अच्छा, फ्रॉम जो होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली एक अदद यूज़र आईडी होगी वो। ठीक है, तो इसकी मैं टाइप लगा दूंगा कि भाई क्या होगा, मोंगोस डॉट स्कीमा टाइप्स डॉट डॉट क्या होते हैं और आगे यार, हाँ ऑब्जेक्ट आईडी, सही लगाया मैंने, ये टाइप है ना उसकी, वो इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये टाइप है। ठीक है, और साथ में इसके एक रेफ लगा दूंगा मैं, राइट, और रेफ बता के उसको मैं वो नाम बता दूंगा कि ये किसका रेफरेंस है। अभी मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट से, मुझे लग रहा है इसमें मैंने कोई गड़बड़ की है, पहले एक दफ़ा मैंने किया हुआ है, राइट, किसी जगह पे, कहाँ पे, ये वाला, हाँ ये किया हुआ है मैंने, नहीं बट ये भी मैंने सूडो कोड लिखा हुआ है तो आई एम नॉट श्योर। मैं क्या ढूंढ रहा था यहाँ पे, हाँ इसका मैं नाम देख रहा था, यूज़र स्कीमा नाम है ना, इसका नाम है यूज़र्स। ठीक है, तो जो मैसेजेस स्कीमा में फ्रॉम होगा उसका जो रेफरेंस है वो यूज़र्स है, और टू में भी ऑब्वियसली यही सेम चीज़ हो रही होगी। ठीक है, जो टू है यानी फ्रॉम में मेरी खुद की आईडी रखूँगा मैं, और टू में मैं उस बंदे की आईडी रखूँगा, और रेफरेंस दोनों का यही है, यूज़र्स ही है। और ये ऑब्जेक्ट आईडी मैंने कहाँ कहाँ यूज़ की है इस पूरे डॉक्यूमेंट में, मैंने ऑनर पे ये काम किया हुआ था। अच्छा, मोंगोज डॉट ऑब्जेक्ट आई डी डायरेक्ट भी मुझे मिल जाता है। ठीक है, रेफ यूज़र्स और रिक्वायर्ड भी मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो मुझे ये डायरेक्ट भी मिल जाता है, सही है, ऐसे करके ये काम कर रहा था। अच्छा, मैं इन दोनों को रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, क्योंकि जाहिर है जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो मेरा डेटाबेस बनेगा नहीं एक्चुअली। सही है, क्योंकि जब भी मैं गेट करूंगा ना, मैं ये दोनों चीज़ें देके गेट करूंगा कि फ्रॉम भी और टू भी। तो अगर कोई ऐसा मैसेज है ना जिसमें कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो कभी भी क्वेरी में आएगा नहीं, तो इसका मतलब है उसको डेटाबेस में होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों पर ट्रू लगा दिया कि भाई ये जब दोनों चीज़ें होंगी जब ही कहानी स्टार्ट होगी। अच्छा, फिर टेक्स्ट होगा मेरे पास एक अदद जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और ये भी ट्रू है क्योंकि टेक्स्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। सही है, और अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो मैं जाहिर है वैलिडेशन पे उसको वैसे ही मना कर दूंगा, जब तक कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होगा मैं सेंड का बटन भी डिसेबल रखूंगा, और सर्वर पे भी जब रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कहूँगा भाई टेक्स्ट नहीं है तो वापस भेजो इसको, कि भाई टेक्स्ट साथ लेकर आओ। तो टेक्स्ट होगा मेरे पास, और क्या चीज़ चाहिए होती है मुझे एक मैसेज के अंदर, क्रिएटेड ऑन तो ऑब्वियसली मुझे मिलेगा, और कुछ इसमें इमेजेस हो सकती हैं,
ठीक है, पिक्चर, और इसको मैं ट्रू नहीं रखूँगा रिक्वायर्ड पे, जिसकी टाइप जस्ट स्ट्रिंग रखूँगा मैं, ठीक है। पिक्चर हो सकती है इसके अंदर कोई, या इमेज हो सकती है, इमेज URL होगा एक्चुअली यहाँ पे ना, ठीक है। अभी हम ऐसा एक बना रहे हैं जिसमें सिर्फ इमेज भेज रहे हैं, अदरवाइज इसमें ना फाइल URI होगा या अटैचमेंट। आमतौर पे ना जो मैसेजिंग ऐप्स होती हैं उसके स्कीमा के अंदर एक इमेज URL एक अलग होता है, और अगर कोई अटैचमेंट है तो वो अलग होता है, ठीक है। अच्छा, इमेज URL अलग से इस वजह से रखते हैं ताकि, क्योंकि इमेज को तो डिस्प्ले करा देते हैं ना हाथ के हाथ वहीं पर, अटैचमेंट को ऑन अदर हैंड हम डिस्प्ले नहीं कराते, उसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट में किसी भी फॉर्मेट की कोई भी फाइल हो सकती है, जिप फाइल हो सकती है, उसमें कोई DOC फॉर्मेट होता है, एक्सेल की फाइल, ये सारी अटैचमेंट के अंदर भेजी जाती है, ठीक है। तो इमेज URL को हम क्या करते हैं, फ़ौरन डिस्प्ले करवा देते हैं, तो ये अलग होगा, और इसके साथ ही ये कहता अटैचमेंट भी होगा जो कि हम फिलहाल नहीं बना रहे। अच्छा, कोई चीज़ इसमें रह तो नहीं गई और। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ना फुल टेक्स्ट सर्च की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जैसे व्हाट्सएप पे आपने देखा है किसी भी यूज़र के मैसेजेस में जाते हैं और वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं हम, तो इसमें इंडेक्स बना लेते हैं टेक्स्ट का। इसमें मुझे ना टेक्स्ट, असल में सिर्फ टेक्स्ट ही होगा मेरे ख्याल इसमें सर्च करने के लिए, तो और तो कुछ भी नहीं होगा, तो बस ये काइंड ऑफ कुछ इस तरह से बनेगा, सही है। टेक्स्ट इसमें मैं कुछ चीज़ें और भी शामिल कर सकता था, जैसे कि अगर कोई पोस्ट होती ना तो टाइटल डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें होती हैं, तो दोनों को शामिल, बट इसमें एक ही टेक्स्ट है तो शायद सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, या मे भी बंदे के नाम से मैं सर्च करूं, बट बंदे के नाम से सर्च करने के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी उसकी ID है ना, तो मैं उससे सर्च करूँगा। वेल, सही है, मेरा ख्याल है इसकी हम ज़रूरत है हमें भाई, हम इसको लगाएंगे नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, हम एक बार कर चुके हैं, बट इसको जस्ट मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें फ़िलहाल। बस आई थिंक सही है। अच्छा जी, तो ये मेरा डेटाबेस का स्कीमा तैयार हो गया। अब इस डेटाबेस के स्कीमा को लेके मैं क्या करने लगा हूँ, इसकी APIs तैयार कर लूँगा, सही है। ओके, अच्छा, APIs मैं काफ़ी सारी रूट पे बनाता जा रहा हूँ, तो काफ़ी मैस हो चुका है रूट पे, यूज़र्स मैंने यहाँ से गेट कर लिए हैं रूट से। चलो एक काम करते हैं, सेंड मैसेजेस भी यहीं पे ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पे बना हुआ नहीं है जिसको उठा के मैं सबको एक फोल्डर में कर दूँ। मैसेजेस की भी हमारे पास सिर्फ दो API बनेगी, एक सेंड करने की और एक रिसीव करने की, तो कोई इतनी ज़्यादा APIs नहीं है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे मुझे इस मैसेजेस का स्कीमा रिक्वायर करना पड़ेगा पहले, ये मैंने स्कीमा ऊपर से रिक्वायर कर लिया model.js में से, और अब मैं नीचे आऊँगा और नीचे आके मैं यहाँ पे /API/v1/message_post, ठीक है, ये मैसेज पोस्ट हो रहा होगा। अच्छा, मैसेज पोस्ट करते हुए जो मुझे यूज़र वैलिडेशन क्या क्या चाहिए होगी, मुझे if request.body. एक तो मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा, सही है, एंड request.body. मुझे 2 चाहिए होगा, है ना, यही दोनों चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से भेज रहा हूँ। सेंड मैसेज करते हुए मैं क्या भेजता हूँ, 2 भेजता हूँ और टेक्स्ट भेजता हूँ, दो चीज़ें भेजता हूँ, तो मैं वो दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक करूँगा कि भाई अगर ये ना हो और अगर ये ना हो, इन दोनों में से कोई एक भी ना हो ना, तो आपने क्या करना है, आपने इसको वापस यहाँ से रवाना कर देना है कि भाई response.send invalid input, ठीक है। बेहतर ये कि मैं इसको सेल्फ डॉक्यूमेंटेड करूं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको जस्ट 400 करके ना इनवैलिड इनपुट कह देता हूं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट करके देखा था, ये मैसेज में पूरी बात लिखते हैं हम कि भाई ये API में ना कैसे एक एग्जांपल पूरी बॉडी बना के भेजते हैं, जिसको हम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड API कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इसको जस्ट सिंपल रख रहा हूं। अच्छा, जब मुझे ये चीज़ मिल जाती हैं तो उसके बाद मुझे क्या करना होता है,
मैसेजेस मॉडल डॉट क्रिएट, और इसमें ये बना दूंगा मैं। अच्छा मुझे चाहिए फ्रॉम, फ्रॉम में मैं अपनी आईडी डालूंगा, तो इसमें बोलूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी, सही है। इसी तरह मुझे मिलती है आईडी जो मैंने सेटिंग की हुई है, और टू में रखूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टू, ठीक है। और उसके बाद मैं टेक्स्ट में रखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट, सही है। यही तीन चीज़ें जो मैंने अपने मॉडल में भी लिखी हुई है, फ्रॉम टू और टेक्स्ट। इमेज मेरे पास नहीं है फिलहाल, और क्रिएटेड ऑन ये खुद से बना लेगा, और फ्रंट एंड से भी मैं टेक्स्ट ही है ना स्पेलिंग इसकी, हाँ टेक्स्ट टू और फ्रॉम, ठीक है। यहाँ से भी मैं भेजता हूँ टू और टेक्स्ट, वेल डन गुड, ठीक है। ये मैंने अवेट लगा दिया इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई ये मैसेज सेंट हो गया, सही है। मतलब ये मैसेज जैसे क्रिएट होगा तो ये एक्चुअली सेंट हो गया। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ना रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं इसको कॉन्सोल भी करा लेता हूँ, ठीक है। डीबगिंग पर्पसेस के लिए इसको मैं कॉन्सोल करा रहा हूँ, बाद में मैं इसको रोक दूंगा। तो ये मेरा मैसेज सेंड करने की जो एपीआई थी ना, वो ये तैयार हो गई। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं मैसेज को तमाम मैसेजेस रिट्रीव करने की जो एपीआई है वो भी बना लेता हूँ। मैं कहूँगा भाई ऐप डॉट गेट मैसेजेस स्लैश और आईडी, या इसका कोई अप्रोप्रिएट नाम रखा जाए, रेसिपिएंट, चलो आईडी सही है फिलहाल के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैसेजेस मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है। अब फाइंड में इसको मैं क्राइटेरिया क्या दूंगा कि फ्रॉम जो है ना उसमें मेरी आईडी होनी चाहिए, सही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन अंडरस्कोर आईडी, और ये टू होना चाहिए, सही है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, और इससे आपने मैसेजेस कितने उठा के लाने हैं, डॉट लिमिट 100 मैसेजेस उठा के लाने, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पेजिनेशन लगेगी। एक वक्त में मैं 100 मैसेजेस मंगवा रहा हूँ, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा वो फिर अगली दफ़ा और कॉल हो जाएगा। अब इसमें पेजिनेशन भी मुझे इसमें देना पड़ेगा, यहाँ पर स्लैश करके ना मुझे, या क्वेरी पैरामीटर में मुझे पेज नंबर भी पास करना पड़ेगा, लेकिन वो हम सेटिंग बाद में कर लेंगे। पहले शुरू के 100 मैसेजेस ला के ज़रा डिस्प्ले करवा दें। टू वाली आईडी बॉडी में ही दी है ना मैंने, ओ नो, सही कह रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट टू होगा ये, है ना, यूआरएल पैरामीटर के अंदर डॉट आईडी होगा, यस सही है। फ्रॉम मैंने भेजा है, और टू मैंने जिसको भेजा है, ये सारे मैसेजेस चाहिए, सही है। डॉट लिमिट कर दिया मैंने, और डॉट एग्जिट कर दिया इसको, ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा भाई कॉन्स्ट मैसेजेस इक्वल टू वेट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सही है। मैसेजेस जो भी सर्वर से ये आया है ना, डेटाबेस से जो भी रिस्पॉन्स आया है, वो सीधा मैंने यहाँ पे भेज दिया। इसमें मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया है, तो अगर इसमें कोई भी एरर आएगा तो मेरे सर्वर मेरा क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्राई कैच मुझे लगाना होता है, मतलब ये पूरा काम मुझे ट्राई कैच में करना होता है। यहाँ पर भी मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया, लगाना होता है। जो पहले APIs में हम देख चुके हैं वो कैसे लगता है, तो वो ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरे पास क्या सीन है कि मैंने पहला मैसेज भेजना है। लॉगिन फेल क्यों हो गया, सर्वर क्रैश हो गया मेरा, हाँ मेरा सर्वर क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हो रहा है मेरा सर्वर,
MJS, the requested module messages schema is not export. ये रहा ना messages model किया तो export मैंने. यही तो है. ओह message schema को कर लिया था मैंने यार. सही है वो एक बार इसने खुद से कर लिया ऑटो इंपोर्ट पे. अच्छा भाई ये आ गया और मैंने कहा कि भाई इसको बली कैट सिसबॉर्ग पे चलो. अब ये यहाँ क्रैश हो गया क्यों भाई. इसको अभी तक कन्वर्जेशन रॉड मैप पता चल रहा है यार. ये क्या चल रहा है. ये कौन सी एपीआई का रिस्पॉन्स ये दे रहा है अभी तक ये HTML में. अच्छा गेट में मैंने मैसेजेस में एस रखा है ना उधर. यहाँ एस नहीं लगाया था मैंने. अब आ गया सही है. रिफ्रेश किया मैंने तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो एम्प्टी एरे आ रहा है क्योंकि जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया था कि फ्रॉम में मेरा नाम हो और टू में उसका नाम हो, इस नाम का अभी तक डेटाबेस में कोई मैसेज बना ही नहीं है. सही है तो चलो जी हम शुरू करते हैं अपना पहला मैसेज. मैंने कहा कि भाई दिस इज माय फर्स्ट मैसेज और सेंड. और जैसे ही सेंड का मैंने बटन दबाया सेंड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया. ठीक है अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो मैसेज एक मैसेज दिख जाना चाहिए. ठीक है एक मैसेज मेरा दिख गया यहाँ. अच्छा एक मैं मैसेज और करूँगा. ठीक है और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब मुझे दो मैसेज ये दिख जाना चाहिए. अच्छा जैसा कि मैंने मैसेजेस को रेंडर करवाते हुए ये बात नहीं लिखी थी कि वो मैसेज में एक्चुअली क्या है. मैंने जस्ट ईच मैसेज लिख दिया था तो अब आते हैं उस मैसेज का कंटेंट वहाँ पे लिख देते हैं. चैट स्क्रीन पे मैं चलता हूँ और चैट स्क्रीन पे जाके जो मैं यहाँ पे एक रैंडमली लिखा हुआ था ना ईच मैसेज इसको हटा के अब एक्चुअल वो कॉन्टेंट लिखना शुरू करते हैं. अच्छा सबसे पहले मैं एच वन करके क्या करूँगा. एच वन बल्कि एच टू कर देता हूँ. ईच यूज़र नहीं होगा अब एक्चुअली ये ईच मैसेज होगा. ईच सी कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी प्रूलर है ये. ईच मैसेज डॉट डॉट अंडर स्कोर आई डी जो बंदा है जिसकी भी वो मैसेज है. नहीं एक्चुअली ये तो मैसेज की अंडर स्कोर आई डी हो गई ना. अभी फ्रॉम टू हमने मंगवाया नहीं है एक्चुअली वो प्लेन उठकर आ रहा है ये अभी. अभी फ्रॉम टू हमने नहीं मंगवाया. फिर एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर क्या होगा वो एक्चुअल मैसेज होगा. ईच मैसेज डॉट टेक्स्ट सही है. अच्छा ये वाला जो होगा ना एच टू इसमें मुझे एक्चुअली ये दिखाना है कि ये मैसेज भेजा किसने. ठीक है फ्रॉम क्या है तो मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखूंगा तो एक आई डी प्रिंट हो जाएगी. ठीक है इवेंचुअली हमने वो आईडी नहीं दिखानी हमने उस आईडी की जगह एक्चुअल यूज़र दिखाना है. सही है तो मैंने फ्रॉम लिखा है क्योंकि अंडर स्कोर आईडी में इस मैसेज की एक अपनी यूनिक आईडी है जब ये डेटाबेस में क्रिएट हुई है तो मैंने वो नहीं दिखाना. मैंने ये दिखाना है कि ये भेजा किसने. ठीक है तो मैं यहाँ पर बल्कि मैंशन भी कर देता हूँ कि ये फ्रॉम है. सही है और यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ कि ये मैसेज है. इवेंचुअली ये मैसेज मैंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. और लास्ट में मैं क्या लिखूँगा एक स्पैन करके बल्कि ये मैं इसके दरमियान में लिखूँगा स्पैन करके मैं लिखूँगा टाइम इसका कि जो भी टाइम था. ईच मैसेज डॉट क्रिएटेड ऑन तो यहाँ पे मुझे एक ठीक है तो ये कुछ इस तरह फ्रॉम लिखा हुआ है उसके बाद ये एक्चुअल आईडी आ गई उसके बाद टाइम लिखा हुआ गया उसके बाद एक मैसेज लिखा हुआ गया. टाइम को मैं मूवमेंट के ज़रिए थोड़ा बेहतर कर लूँगा और ये फ्रॉम को मैं क्या कर लूँगा उसके पॉपुलेशन लगा के मैं एक्चुअल डेटा मंगवा लूँगा इसकी जगह पर. ठीक है अभी जो मेरे पास रिस्पॉन्स आता है मैसेजेस का इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आता है. ठीक है ये पहला मैसेज है और ये दूसरा मैसेज है. ये देख रहे हो फ्रॉम की जगह पे एक आईडी है लिखी हुई और टू की जगह पे भी एक आईडी है और इस मैसेज की खुद की अपनी एक आईडी है. तो मुझे ये फ्रॉम की जगह पे और टू की जगह पे फ्रॉम तो मुझे पता है कि या तो मेरा होगा और या तो टू एक मेरा होगा लेकिन एक की मुझे आईडी एटलीस्ट मंगवानी चाहिए है
है ना, ताकि मैं मुझे सामने वाले का नाम मैं डिस्प्ले करा सकूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ तो मेरे पास जिस बंदे ने भेजा होता है उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट एक की यहाँ पे क्या करवानी है, आईडी की जगह नाम दिखाना है मुझे। अपना तो नाम बेशक मैं डिस्प्ले ना करूँ, अच्छा, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता चलेगा कि मेरा वाला मैसेज है, क्योंकि हो सकता है लाइन से 10-12 उसके मैसेज हों या लाइन से 10-12 मेरे मैसेजेस हों, ठीक है। तो मैं एक्चुअली दोनों पे पॉपुलेट लगाऊंगा ताकि दोनों पे मुझे नाम मिल जाए। फिर मैं क्या करूँगा, एक को उसमें से फ़िल्टर करके नाम नहीं दिखाऊँगा, एक का मैं नाम दिखाऊँगा। एक में मैं दिखूँगा मी, माई मैसेजेज, उसमें मी लिखूँगा। तो मैं सर्वर पर जाता हूँ, सर्वर पर जाके मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, डॉट पॉपुलेट और क्या फ्रॉम एन टू लाइक दिस, देखते हैं क्या होता है। सर्वर क्रैश हो गया, हमने लास्ट ईयर पॉपुलेट लगता है कैसे ही, देख लेते हैं ज़रा। अच्छा ये दो कॉमा करके नहीं लगेगा, ये अलग अलग लगेगा। सही है, डॉट पॉपुलेट। अरे भाई क्या हो गया, सर्वर तो सही है, यहाँ पे इसको क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड। अच्छा, वो जो अब टू जो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना डायरेक्ट, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट नाउ। जो मैं फ्रॉम और टू डिस्प्ले करवा रहा था डायरेक्ट, अब मैं ये डॉट फ्रॉम डॉट फर्स्ट नेम करूँगा ना एक्चुअली, है ना, अभी सेट हो गई, ठीक है। फ्रॉम इंजमाम, फ्रॉम इंजमाम ये लिखा हुआ गया, लास्ट नेम भी दिखाऊँगा एक्चुअली, मे भी दोनों दिखाऊँगा। अच्छा तो अब मैं जब इसको API को देखता हूँ तो मुझे अब रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है, मेरे पास ये फ्रॉम जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसमें उस यूज़र का पासवर्ड भी आ रहा है। लेवल देख रहे हो फिर, मंगवा रहा मैसेज आ रहा सब कुछ है। अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें प्रोजेक्शन लगाऊँगा पॉपुलेट करते हुए कि मुझे क्या क्या चाहिए और क्या क्या मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उसका चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, इससे ज़्यादा कुछ भी मुझे उसका नहीं चाहिए। तो मैं पॉपुलेशन में जाके देख लेता हूँ इसमें प्रोजेक्शन कैसे लगती है। सही, अगर पॉपुलेट करवाते हुए अच्छा, एक तो इसने सिंपल पॉपुलेट लगा दिए, सेटिंग पॉपुलेटेड फील्ड, ये काम मैंने पहले किया हुआ है। हाँ ये रहा, हाँ वो कॉमा डाल के लगाया हुआ है यार, लेकिन वो असल में शायद, हाँ यार किया हुआ तो है इसने ऐसे ही कॉमा डाल के। वेल हमें तो लेकिन इसको अब ऐसे करना है, पाथ फैंस और सेलेक्ट नेम ऐसे करके। तो हमें इनमें से क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल चाहिए। हम जाएंगे अपने सर्वर पे और सर्वर पे जाके ऐसे है ना, सही है, पाथ हमारा हो जाएगा फ्रॉम और सेलेक्ट हम करेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। सही है, ये वही वाला है कैसे जैसे माइनस करके लगाते हैं ना, ये वो वाला है। और सेम चीज़ हम टू में भी कर लेंगे। अच्छा ये भी डॉट लगाया, उस्ताद है उस्ताद। ये कम्युनिटी ना डिवाइडेड है, कुछ लोग कहते हैं उधर लगाओ डॉट, कुछ लोग कहते हैं इधर लगाओ। सही है, तो अब हमारे पास ये पासवर्ड नहीं लेकर आ रहा है, अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल सिर्फ ला रहा है। सही हो गया, तो अब मैं आ जाता हूँ ज़रा इसको आके क्या डिस्प्ले करवा देता हूँ, फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम भी डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैंने वैसे ही लिख दिया था। सही है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही है,
क्योंकि साइन अप में हमने जो बहुत पहले आलसी पना किया था वो अभी हमें सामने नज़र आ रहा है कि हम जहाँ पे भी साइन अप करते हैं हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम डबल डबल हो जाता है। सही है, वो हमने क्या किया था, हमने साइन अप फॉर्म में एक ही खाना बनाया था नेम का, और उसी सर्वर पे उसी को उठा के फर्स्ट नेम में डालते थे, उसी को लास्ट नेम में। तो वेल अच्छा, मूवमेंट हमारे पास इंस्टॉल है पहले से इस में आई थिंक, तो मैंने कहा मूवमेंट डॉट फ्रॉम नाउ। सही है, ऐसे ही करते थे हम, 9 मिनट अगो लिखा हुआ आ गया अभी यहाँ पे। और मैसेज के ऊपर जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये मैसेज है, उसको मैं हटा देता हूँ। मूवमेंट क्या है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिंदाबाद है। ये झंडे लेके निकले हैं बंदे, वो है ये मूवमेंट। ये मूवमेंट जैसे जो हमने टाइम की लाइब्रेरी पढ़ी थी ना, वो है ये। मतलब वाकई नहीं पता तुम्हें, पता है ना, सही है, मुझे भी पता है, वो ऐसे ही कह रहा है। मूवमेंट तो हमने इतनी दफ़ा पढ़ा है कि जो एक दिन भी आया होगा क्लास में उसको ही पता होगा कि मूवमेंट का क्या है। मूवमेंट हमने असल में HTML के ज़माने से ही पढ़ लिया था ना, वो JavaScript के ज़माने, जो JavaScript के में वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी उसी में ही मूवमेंट का इस्तेमाल किया था हमने। जब अच्छा जी, अब इसमें मेरे पास काम क्या रह गया जो मैंने करवाना है, अब इसमें मेरे पास ये काम रह गया कि सामने वाला बंदा भी मैसेज करे ना मुझे, ये काम रह गया। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इस फोल्डर से बाहर निकाल के साइक्लिक पे या किसी क्लाउड पे होस्ट करना पड़ेगा ताकि आप भी इस ऐप को यूज़ कर सकें। सही है, और आप यूज़ करेंगे तो फिर आप में से कुछ लोग साइन अप करेंगे अपने अपने नाम से, और फिर वो मैसेज करेंगे तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा होगा। और फिर जब दोनों साइड से मैसेजेस आने लग जाएंगे तो हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे इसमें कि भाई मेरा मैसेज जो है वो लेफ्ट पे दिखे, सामने वाले का मैसेज राइट पे, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो दो साइड में दिखे मैसेज, इस तरह करके कोई सेटिंग करेंगे हम। तो मेरे ख्याल है इतने कोड को हम कर देते हैं कमिट। सेंड मैसेज कंप्लीट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक github.com पे जाके एक अलग रिपोजिटरी बनाता हूँ जिसमें पूरे के पूरे कोड को मैं ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि साइक्लिक पे फिर इस तरह से आसान हो जाता है उसको डिप्लॉय करना। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि यार मर्न चैट ऐप। ठीक है, विद सॉकेट आयो, ओके, पब्लिक रखता हूँ इस रिपोजिटरी को मैं, क्रिएट। अच्छा, इसमें मैं वक्ती तौर पे इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल रिपोजिटरी जो वो यही वाली रहेगी जो अभी हमारे पास ये बनी हुई है ना, यानी 14th करके जो फोल्डर है ना, यानी मैं इसको वक्ती तौर पे अलग कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं इस कोड को यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा। तो वो अलग से जो मैं रिपोजिटरी बना रहा हूँ उसको तलाश करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, आपने इसी रिपोजिटरी में ही रहना है जिसमें आप ऑलरेडी हैं। अच्छा जी, तो इस रिपोजिटरी को जो मैंने अभी भी बनाई है इसको जल्दी से हम क्लोन कर लेते हैं आके। और गिट क्लोन, इसको मैंने क्लोन कर लिया, सीडी करके इसके अंदर चले जाते हैं, और कोड स्पेस डॉट, और इसको मैंने VS कोड खोल लिया। बाकी की तमाम जो हमारे पास चीज़ें उसको हम बंद कर देते हैं। अब ये वो इसको मैंने बंद क्यों कर दिया, उससे तो अभी वो निकालना था कोड। कोड इधर पेस्ट किए बगैर ही उसको मैंने बंद किया हुआ था।
इसका गेट जो है ना बिल्कुल ही पागल हो गया कि यार ये क्या हो गया। गेट इग्नोर वहाँ नहीं रह गया, वो गेट इग्नोर आएगा असल में, वो लेक्सिकल ऑर्डर से उसको वो करता है शायद ना पेस्ट, तो इसलिए गेट इग्नोर लास्ट में पेस्ट होता है। सर सेलेक्ट किया मैंने वो गेट इग्नोर ना, दूसरा है रूट वाला है वो, उसको नहीं किया मैंने। एक इसके अंदर गेट इग्नोर है वो आएगा यहाँ पर। सही है, ये पूरा का पूरा जो पेस्ट हो गया देखो 10 के आ गया ना, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ये सेट हो जाएगा। 290 फाइल हो गई अब। सही है, तो 290 फाइल हो गई। मैं उसको कह देता हूँ कि यार नॉट मॉड्यूल जा नहीं रहा, नहीं नहीं वो जा नहीं रहा, वो असल में इसका जो जो VS कोड ना इतनी ज़्यादा फाइलों के लिए पता नहीं पागल हो जाता है VS कोड ना, उसको समझ नहीं आता। अभी मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो सही हो जाएगा। वेल अभी मैं कमिट करूँगा तो वो नहीं जाएगा आई एम श्योर। ठीक है, ऑल कोड सही है, मैंने इसको कमिट कर दिया तो वो नहीं गया। देखो अभी भी ये ग्रीन खड़ा हुआ है। अब इसको सही करने के लिए मुझे VS कोड को बंद करके खोलना पड़ेगा या मुझे एटलीस्ट उसको रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड विंडो अभी बिल्कुल देखो सेट हो गया। सही है, तो ये VS कोड एक्चुअली स्टक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम बाकी की चेंजेस शुरू करते हैं। अच्छा, बाकी की चेंजेस करने से पहले इसको हम साइक्लिक पे ज़रा डिप्लॉय कर लेते हैं ताकि आप लोग भी साइन अप हो जाएं, क्योंकि मैसेज सेंड और रिसीव का जब प्रोसीजर हो गया है तो इसका मतलब है आप जब मैसेज करेंगे और मुझे रिफ्रेश के बाद वो दिख जाना चाहिए। तो हम चलते हैं साइक्लिक डॉट एस एच। सही है, किसी एक को उड़ा देते हैं, मेरे ख्याल है JWT डेमो को उड़ा देते हैं। सही है, और अब हम डिप्लॉय का बटन दबाते हैं और लिंक, और यहाँ पे आके मैं चैट लिखूँगा तो ये फ़ौरन आ गया जो अभी अभी मैंने अभी वेल सॉकेट आयो लगाना, तो अभी इसमें अभी तो बहुत काम बाकी है। कनेक्ट। अच्छा, फ्रंट एंड का ना उसमें वो नहीं आएगा, उसका रीज़न ये है कि मैंने बिल्ड नहीं चलाया। सही है, इसको मुझे बिल्ड चलाना पड़ेगा एक्चुअली, चला देता हूँ बल्कि बिल्ड ना फ्रंट एंड। सही है, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही जगह पे चला हुआ है तो इसलिए मैंने बिल्ड का फोल्डर साथ में भेजा हुआ है, तो वो बिल्ड मैं बना रहा हूँ अभी। पहले ज़रा बगैर बिल्ड के ही चल पड़े। सही है, मेरी बिल्ड बन के तैयार हो गई है। ये बिल्ड के कुछ फाइल्स हैं, ज़रा ये कंप्लीट हो तो फिर मैं ये फाइल भी भेजूँ उसको। क्या हुआ है, डिप्लॉय हुआ ही नहीं है।
मुझे लग रहा है गिटहब से इसका ना क्रेडेंशियल एक्सपायर हो गया, तो मैं जाके ज़रा देख लेता हूँ, सही कर देता हूँ। एप्लीकेशंस में जाऊंगा मैं और साइक्लिक को क्या कर दूंगा, रिमूव। साइक्लिक को रिमूव करूंगा तो वो मुझसे खुद ही पूछेगा दोबारा कि भाई दे दो मुझे एक्सेस, इंस्टॉल्ड 4 मंथ्स अगो। अभी है तो यार एक्सेस, ऑल रिपॉजिटरीज सब कुछ ओके है यहाँ से। चलो रिमूव कर ही देता हूँ, क्या देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने इसको। सही है, रिमूव कर दिया। अब इसको यहाँ से पूछना चाहिए मुझसे डायरेक्ट कि भाई गिटहब का परमिशन नहीं मिल रहा। सही है, अब इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा ऑल रिपॉजिटरीज और अप्रूव एंड इंस्टॉल। अब चलो दोबारा कनेक्ट का बटन दबाते हैं, इंस्टॉल्ड नाउ। ये सही तो है, क्या चाहिए और। अरे यार तंग कर रहा है बिला वजह। किसी को आइडिया है क्यों हो रहा है? इसको भी उड़ा देता हूँ, एक और है ना जो। मल्टर नहीं लगा हुआ, अरे अब हो गया, पता नहीं क्यों रुक रहा था बिला वजह। मल्टर हाँ अटैच हुआ है मल्टर तो हमारा ना, लेकिन इस एपीआई में नहीं हुआ हुआ जो भी हम यूज़ करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन में तो एरर नहीं आता ना, वो तो यूज़ करने पे आता होगा। अच्छा चलिए, कॉन्फ़िग लगा हुआ तो डिप्लॉय नहीं होता ये कह रहे हो तुम, ये ऐसे नहीं आता। अच्छा चलो अभी इसको लगा के देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, न्यू विंडो में खोला और यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। ये आ जाता है, अच्छा मैं वो हटाऊंगा तो ये चल जाएगा। तो कोई तो लॉग में एरर आता होगा ना यार, लॉग में क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं अभी। देख लेते हैं, अरे भाई इसको अच्छा नॉट जी एस 18 पे जो है ना NPM स्टार्ट कह रहा है फेल हो गया। अच्छा हुआ ना ये भी तुम्हारा अभी एरर देख लेते हैं। ईर ऑफ रीड ओनली फाइल सिस्टम MKDIR दिस। अच्छा रीड ओनली फाइल सिस्टम बता रहा है ये, तो वो कह रहा है कि भाई आप इस पर रीड राइट कर ही नहीं सकते। अच्छा रीड ओनली फाइल सिस्टम MKDIR, अभी गूगल मार लेते हैं इस एरर को ज़रा, लोगों ने कुछ हल बताया हुआ होगा इसका। स्टैक ओवरफ्लो पे पूछा हुआ है किसी ने देखो। अच्छा स्टैक ओवरफ्लो पे पूछा हुआ है, सही है वो। दिस एरर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अबे हल बताना इसका। इज वेयर इज द लैम्डा फंक्शन कोड इज लोकेटेड
an actual lambda environment, this this this, you need to write to slash temp. Okay, कह रहा है स्लैश टेम्प में राइट करो, आप स्लैश वार में आप नहीं कर सकते. यू नीड टू ऑल्सो क्लीन अप आफ्टर योर सेल्फ एंड रिमूव एनी टेम्पररी फाइल्स यू हैव क्रिएटेड. सही हो गया ना? नहीं, AWS में नहीं, ये फिर किसी में भी ट्रू होगा. फिर स्लैश टेम्प तो फिर वो है ना. तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है इसमें कि हम स्लैश टेम्प इसको दे दें? सर्वर नहीं, APIs में था हमारे पास tweet.mgs, राइट. डिस्क हमने जो किया है ना, डेस्टिनेशन डिस्क और दिस 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 स्लैश अपलोड. तो मैं इसको करूँगा फिर स्लैश टेम्प, ऐसे स्लैश लगा के टेम्प लगाऊँगा, है ना. ओ अच्छा, ऐसे टेम्प लगाने से ये मेरी मशीन में नहीं चलेगा. मेरी मशीन में कह रहा है कि भाई स्लैश टेम्प तो पूरे ये मेरे पास क्यों दे दिया इसने ये एरर? ये मेरे पास भी इसने सेम एरर दे दिया, नोट कर रहे हो? अच्छा अच्छा नहीं, वो मेरे समझ आ रहा है अभी, ये क्या चक्कर है. वो मेरी फाइल सिस्टम में ये कह रहा है कि आप जिधर खड़े हो ना उससे और रूट पे जाके आप नहीं बना सकते, स्लैश टेम्प में आप नहीं बना सकते. स्लैश टेम्प में नहीं बना सकते आप. मैं इसके साथ मल्टर भी ऐड करता हूँ ना, इसके साथ ना मैं मल्टर भी ऐड करता हूँ. ये जो मैंने एरर का मैसेज लिखा है ना, कि मल्टर में मैं ऐसा क्या लिखूँ कि दोनों में चले, क्योंकि मैं स्लैश टेम्प में अगर करता हूँ तो मेरी मशीन में वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा. आज की डेट में यार फिर इसी मसले को सॉल्व करना है. व्हाट इज़ दिस एरर, इर ऑफ रीड ओनली फाइल सिस्टम? वर्सल पे लोगों ने पूछा भाई. हाँ नहीं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सही है. ये असल में ना ये है प्रॉब्लम है इसमें. ये फाइल पाथ पाथ डॉट जॉइन स्लैश टेम्प और डेटा डॉट जेसन. वो कह रहे हैं कि यार लैम्डा में ना स्लैश टेम्प होता है एक, लेकिन मेरी मशीन में फिर स्लैश टेम्प एरर दे रहा है. हाँ ना, इसने भी देखो यही कहा है कि भाई स्लैश टेम्प लगा दो आप. अब इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई एनवायरनमेंट अगर मेरा डेवलपमेंट है तो कुछ और रखो उसको. और अच्छा, अगर मैं इसमें से डेस्टिनेशन ही हटा दूँ, डेस्टिनेशन में उसको दूँ ही ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट पे करता है. अगर मैं डेस्टिनेशन ना दूं तो क्या हो सकता है, इन्होंने अंदर कोई लॉजिक लगाई भी हो. मैं इसको बोलता हूँ फिक्स 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 लगाया मैंने इस पर. कभी कोई अगर मैं कुछ भी ना दूं तो फिर ये रूट पे करता है, आप कह रहे हो. वेल ये मैं लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको रोक के हटा के चलाऊँगा. फिक्स यहाँ पहुँच गया और लॉग्स चल गया भाई. डेस्टिनेशन मैंने हार्ड कोडेड किया हुआ था इसलिए एरर आ रहा था. डेस्टिनेशन मैंने हटा दिया है, अब वो सेव कहाँ करेगा डेस्टिनेशन हटा के? ये दिस इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम. हाँ आई थिंक यार मल्टर एक मतलब लाइब्रेरी वाइडली यूज़ हो रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने किया हुआ होगा कुछ ना कुछ इसका. वेल अब ये मोंगोज़ का एक डेप्रिसिएशन वार्निंग है, ये
शुरू से है। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है कि मोंगोज ना स्ट्रिक्ट क्वेरी ऑप्शन जो है वो फॉल्स इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस चेंज और दिस दिस मोंगो डॉट क्वेरी डॉट ट्रू सप्रेस दिस वार्निंग। ठीक है, सप्रेस का मतलब है कि ये वार्निंग हट जाएगा उससे, ये वार्निंग नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम ये लगा देते हैं ना मोंगो डॉट सेट डॉट क्वेरी फॉल्स, ये फॉल्स करना है इसको। सही है, कह रहे हैं कि भाई वो स्ट्रिक्ट क्वेरी ऑप्शन विल बी स्विच बैक टू फॉल्स बाय डिफॉल्ट इन मोंगो 7। ठीक है, आजकल ट्रू है अभी, ठीक है आजकल बाय डिफॉल्ट ट्रू है, लेकिन 7 में जाके उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि अभी से फॉल्स कर दो अगर आप प्रिपेयर हो इसके लिए, और हाथ से आप ट्रू लगा दो तो ये एरर नहीं आएगा फिर डिफॉल्ट पे, क्योंकि ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट क्वेरी को हम फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे आके, हमारे पास डीबी रेपो में लगा हुआ है ना। ठीक हो गया, तो ये mongos डॉट स्ट्रिक्ट क्वेरी फॉल्स। सही है, इससे ये डेप्रिसिएशन वार्निंग गई हमारी, या मेरे पास भी ये बार बार दे रहा था ना डेप्रिसिएशन वार्निंग, ये ख़त्म हो गया मेरा। वेल, अब मैं यहाँ पे आके, लो भाई तुम लोगों को मैं भेज रहा हूँ, बल्कि इसको मैं कोई आसान URL बना देता हूँ, URL चेंज कर रहा हूँ मैं इसका, इन्वायरमेंट सब डोमेन में इसको कहता हूँ चैट ऐप अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, एस चैट ऐप आयो, हाँ भाई चैट ऐप और आयो लगा दिया मैंने साथ में इसके। ठीक है, चैट ऐप आयो डॉट साइक्लिक डॉट ऐप। सही है भाई, ये सब लोग खोलो ज़रा अपने पास, यही वाला यू आर एल भाई, ये मैंने अभी अभी डिप्लॉय किया है बड़ी मुश्किलों से। ऐसे ही आयो इनपुट आउटपुट होता है वैसे आयो तो। मैंने वैसे सॉकेट आयो के लिए शॉर्ट में आयो लिखा है नाम। ठीक है, सॉकेट का मतलब भी तो सॉकेट के लेवल पे इनपुट आउटपुट होगा, तो इसलिए नाम उसका सॉकेट आयो। हाँ भाई, खुल गया तुम लोगों के पास ये, चलो भाई साइन अप करो फिर फटाफट। अच्छा, मैं भी अपने नाम का एक रखता हूँ यूज़र, बाकी उड़ा देता हूँ। malik@abc.com मैं इस वक्त मौजूद हूँ ना, हमें वो दिस इज़ मी गायब हो गया इसमें से। अच्छा, ये आ रहा है दिस इज़ मी। जो मेरा इसमें ईमेल है ना वो malik@abc.com वाला है। अनस आ गया इसमें, अहमद रज़ा आ गया, malik@abc.com। अच्छा, तो कौन कर रहा है मैसेज मुझे जल्दी बताओ, तुम में से किसने मैसेज कर दिया मुझे ऑलरेडी, क्या नाम है? अहमद रज़ा, ये वाला ahmedraza@gmail.com। अबे इस पे तो नो मैसेज फाउंड आ रहा है, मैं भी एक मैसेज करता हूँ। ख़त्म हो गया, ठंडा हो गया सर्वर। सही है यार, जी लेने दो उसको भी अपनी ज़िंदगी। हाँ भाई, तुम्हारा तो मैसेज नहीं आया मेरे पास। और कौन है हमारे पास रियल यूज़र यहाँ पे? जॉन पप्पा के नाम से तुम हो? अबे टाइम नहीं है, कंप्लीट करनी है, आधा घंटा बचा है हमारे पास। अनस कौन है? कौन है तुम हो? अभी 429 आना शुरू हो गया।
टू मैनी रिक्वेस्ट हो गया बच्चा, हाँ तो अब नहीं होगा ना, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं लगेगी, अब 429 हो गया वो, ये रहा ना लॉग में आ जाता है 429। नहीं नहीं ये तो वैसे ही है, तो पुराने वाला एरर आ रहा है। ये रहे ना नए, अभी ये लॉग्स आना शुरू हुए हैं, अभी इसमें ये पुराने सारे लॉग्स आएंगे और फिर 429 हो जाएगा। अच्छा भाई तो डेटाबेस में देख लेते हैं कि वो क्या चक्कर है जिसकी वजह से मुझे वो दिख नहीं रहा मैसेज, ज़रा डेटाबेस में जाके हम ये चक्कर मार लेते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ मैसेज दिखना चाहिए मुझे, क्या नहीं दिखा रहा जो जैसे अनस ने अगर मैसेज करे ना किसी को तो ये सिर्फ उनके उसके शो कर रहा है, नाम से मैंने भेजे ना वो नहीं कर रहा। हारून तुम बताओ तुम्हारा ईमेल कौन सा है इसमें? सर ये अनस अनस के नाम से ही है, फिर अपने ये तुम्हारा है जी इस कंप्यूटर पे क्या इस कंप्यूटर में, इसमें तो नो मैसेज फाउंड आ रहा है। सर अगर आप करेंगे ना इस पे तो हां वही वाला शो कर रहा है, जैसे अगर आप शो को कर रहे ना तो हमारे करे हुए मैसेज शो कर रहा है। अरे यार तो ये सर्विस वर्कर को क्या हो जाता है। हाँ अभी हम उसको देखते हैं कि वो यार ये सर्विस वर्कर इतने सारे रजिस्टर हो जा रहे हैं पता नहीं क्यों। अभी ये हारून इसको अभी तुम रखना है अकाउंट को, मैं इसी अकाउंट के साथ करता हूँ तुम्हारा। अच्छा ये मेरा ख्याल है मैं डिफरेंट डोमेन पे खड़ा हूँ इसलिए भी मेरे पास एरर आ रही है, वाई आई एम ऑन अ डिफरेंट डोमेन। अच्छा अपना हारून तुम ना ये मलिक एट द रेट abc.com है ना एग्जैक्टली, तुम मेक श्योर करो कि तुम इसी ईमेल को खोला हुआ है तुमने क्लिक करके, यानी यूज़र जो तुमने क्लिक किया हुआ है होम पे जाके वो मलिक एट द रेट abc.com ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये मेरा यूज़र है। और हारून हारून जो है वो 123@gmail.com है राइट। अरे यार ये रीलोड पे वो मेरे मैसेज भी गायब हो जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? हाँ अवेस खोला था मैंने, आर यू श्योर? अच्छा मुझे इसका मतलब है कि मुझे रेसिपिएंट का भी नाम दिखाना पड़ेगा इधर कि मैंने किसका खोला हुआ है ना। मेरे मैसेज तो यहाँ से चले गए, तो मैं रिफ्रेश करो आया तुम्हारे पास ये? अच्छा तो सबसे पहले ना मुझे ये करना है, इसका कोड में जाता हूँ मैं और इसका जो URL है ना इससे ज़रा MongoDB कंपास में ओपन करता हूँ कि क्या मेरे पास मैसेजेस इधर क्रिएट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यार एक तो MongoDB कंपास मेरे को जहर लगता है, स्लो इतना ज़्यादा है ये,
खुलते ही ना पूरा पीसी हैंग हो जाता है इससे बिला वजह में। एबीसी डेटाबेस हमारे डेटाबेस का नाम है, इसके अंदर ये मैसेजेस के नाम से एक है मेरे पास। अच्छा मैसेजेस क्रिएट तो बहुत सारे हो गए हैं इसमें, सही है, ये मैसेजेस तो इसमें काफ़ी सारे क्रिएट हो चुके हैं और अलग अलग यूज़र के अलग अलग मैसेजेस हैं इसके अंदर ना। और किसी ने 110 टोटल मैसेजेस हैं जो इसमें क्रिएट हो चुके हैं, सही है जी। अच्छा तो हम एक एक करके उसको अब हल करते हैं। सबसे पहले तो हम जो स्क्रीन के ऊपर ना रेसिपिएंट का नाम शो करते हैं कि ये किससे बात हो रही है, और फिर उसके बाद हम जो है ना आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। अच्छा रेसिपिएंट की मुझे प्रोफाइल गेट करनी पड़ेगी पहले, सही है। रेसिपिएंट की प्रोफाइल गेट करने के लिए क्या मैंने API बना के रखी हुई है पहले से, जिसको कॉल करके मैं रेसिपिएंट की वो कॉल कर सकूँ। सर्वर के ऊपर मैंने एक यूज़र गेट करने की API बनाई तो थी, गेट यूज़र में मैंने कहा था कि अगर ID हो पैराम्स में, अगर ID हो तो वो ID दे दो, अदरवाइज है ना, ऐसे करके मैंने बनाया हुआ था। तो इसका मतलब है कि मैं अगर ऐसे कॉल करूँगा /ID डाल के तो मुझे वो बंदे की प्रोफाइल मिल जाएगी, सही है। तो मैं आ जाता हूँ अभी प्रोफाइल /ID करके ना, पहले मैं उस बंदे का डेटा उठा के फ्रंट एंड पे लाके डिस्प्ले करवा देता हूँ। चैट स्क्रीन, और चैट स्क्रीन के ऊपर जो मेरा यूज़ इफेक्ट है जो गेट मैसेजेस करता है उसी में मैं क्या करूँगा, बल्कि मुझे खुद से भी लिखने की ज़रूरत क्या है, वो मैं जो app.js में हिट किया हुआ है ना उसी को ही उठा के ले आता हूँ। app.js में ये काम मैंने किया हुआ है पहले से, यूज़ इफेक्ट में ये गेट प्रोफाइल बना के रखा हुआ है पूरा मैंने। सही है, ये पूरा गेट प्रोफाइल का जो यूज़ इफेक्ट था वो मैंने उठा लिया यहाँ से, सही है। ओके हाँ उठा लिया इसको मैंने, और ये उठा के मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अच्छा जब मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ तो मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, जैसे कि स्लैश प्रोफाइल के बाद ना स्लैश करके मुझे उस बंदे की ID डालनी होगी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके फंक्शन के नाम को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, और इसको मैं नाम रख दूँगा रेसिपिएंट प्रोफाइल, ठीक है। और मैं करूँगा रेसिपिएंट प्रोफाइल, रेसिपिएंट की स्पेलिंग मैंने गलत रखी है, RECI, सही है रेसिपिएंट प्रोफाइल। तो जो भी ये इसमें से डेटा आएगा मेरे पास वो हम किस में सेट करेंगे, वो हम रेसिपिएंट प्रोफाइल से। ये हेडर वेडर मैंने पता नहीं क्यों लगाया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। सही है, जो भी इसमें से रिस्पॉन्स आता है वो मैं रेसिपिएंट प्रोफाइल करके सेट करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा सेट रेसिपिएंट प्रोफाइल रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अच्छा डिस्पैच की मुझे ज़रूरत नहीं है, कैच में भी मुझे कुछ डिस्पैच वगैरह नहीं करना, जस्ट मैं इसको कॉन्सोल पे प्रिंट करवा दूँगा। और इसका जो नाम है वो मैं नाम चेंज कर दूँगा कि गेट रेसिपिएंट प्रोफाइल, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा अब ये रेसिपिएंट जो प्रोफाइल है इस रेसिपिएंट की मेरी, इसको मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँगा, टॉप ऑफ द स्क्रीन, जो चैट स्क्रीन लिखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा कि चैट विथ, और उसके आगे उस बंदे का मैं नाम लिख दूंगा रेसिपिएंट प्रोफाइल डॉट फर्स्ट नेम,
और साथ साथ लास्ट नेम भी उसका, सही है, और अगली लाइन में उसका ईमेल, सही है। मैंने क्या किया, रेसिपिएंट प्रोफाइल डॉट ईमेल, तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लाके डिस्प्ले करवा दी। तो अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे नाम लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। आई सी, ये साइक्लिक है, यहाँ आ जाता हूँ। यू आर ऑफलाइन, वाई, अच्छा सर्वर बंद हुआ है मेरा आई थिंक। हाँ, वो बिल्ड करने के लिए मैंने सर्वर बंद किया था तो इसलिए वो सर्वर बंद हुआ था। नॉट रीड प्रॉपर्टी नल ऑफ फर्स्ट नेम, अच्छा वो जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लगाया इसमें मुझे नलिश ऑपरेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि शुरू में जाहिर है ये नल होता है, ठीक है। और ये रेसिपिएंट प्रोफाइल को मैं शुरू में जो रखूँगा ना वो मैं रखूँगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये नल रखने से भी एरर दे रहा है ये, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखूँगा ताकि ये मुझे ये वाला एरर ना दे। अच्छा, इसको मैंने आईडी प्रॉपर भेजी है, ये क्या हो गया यार, होम, और मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ राफे खान, सही है, तो चैट विद राफे खान है, सही है। अब मैं होम पे आके कोई और सेलेक्ट करता हूँ, अगर सैड सैड तो चैट विद सैड सैड हो रहा है, admin@gmail.com, ये उसका ईमेल भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और अब मैं दोबारा जाके यहाँ पे कौन सा वाला सेलेक्ट करता हूँ, anas@gmail, ठीक है, अनस अनस। अच्छा यहाँ यार ये मैसेज गायब कैसे हो जा रहे हैं, जो मैंने पहले मैसेजेस भेजे थे वो डेटाबेस में तो गए हैं तो यहाँ पे तो आना चाहिए उस मैसेज को, वो गायब क्यों हो जा रहा है। मैंने कुछ मैसेज लिखा, सेंड किया, रिफ्रेश किया, नज़र आ गया। हाँ भैया ना, चेक करो दोबारा, मेक श्योर करना कि तुमने मेरी प्रोफाइल खोली भी है। मेरी प्रोफाइल मीन्स के नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन सी वाली है, ये मलिका सिंगर 1 इस बार मैंने लॉग इन किया है। हाँ, अच्छा मैंने डिफरेंट अकाउंट लॉग इन कर लिया है, नहीं बिल्ड तो वो असल में वो तो साइक्लिक पे गया ही नहीं है ना अभी। मैंने अभी SMS सेंड होने या रिसीव होने की लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं किए। हाँ भाई, नहीं है, अच्छा अभी कुछ करते हैं इसका। पहले तो यार मुझे, मेरा ख्याल है कि सारे दूसरे अकाउंट ना मुझे मेरे रिमूव कर देने चाहिए। नहीं, वो तो डेटाबेस तो क्लाउड है ना, भले मैं यहाँ से भेजूँ या साइक्लिक से भेजूँ वो तो डेटाबेस में जा रहा है ना डेटा, तो मेरे जितने दूसरे अकाउंट हैं वो मैं उड़ाने जा रहा हूँ अभी, सही है। और एक अकाउंट मैं रखूँगा जो है malik@sysborg, ठीक है, abc@abc को उड़ा देता हूँ मैं। कैसे उड़ाऊँगा भला, जाऊँगा इधर मैं यूज़र्स, और यूज़र्स में जाके मैं टाइप करूँगा, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, सही है, एक डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा malik@abc, इसको भी उड़ा देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, सही हो गया। और उसके बाद मेरा अपना कौन सा है, abc@gmail, ये भी मैंने ही बनाया, राइट, मलिक सिंगर 1, अभी तो ये मैंने लॉग इन किया, इसको भी मैं उड़ाने जा रहा हूँ क्योंकि ये भी मैंने नहीं रखना, मैं एक रखूँगा वो वाला। सही है, लॉग आउट हो गया क्योंकि वो अब अकाउंट ही नहीं है मेरे पास, सही है। malik@sysborg वाला जो है ना, इसको मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, जो ये सबसे टॉप पर है, और तो बचा हुआ नहीं है कोई मेरा अकाउंट, सही
सही है, और मैंने सारे अकाउंट गायब कर दिए। अच्छा अब मैं अगेन मैसेज कर रहा हूँ, अबे ये मलिक सिंगर जीमेल किसने बना दिया एक बार। सही है भाई। अच्छा हाँ भाई हारून तुम्हारा कौन सा वाला अकाउंट है अभी? अनस अनस वाला है। अच्छा तो ये ओके अब अनस अनस वाला जो अकाउंट है उसमें रेसिपिएंट प्रोफाइल को मैं देख रहा हूँ इस वक्त, रेसिपिएंट प्रोफाइल में मेरे पास आ रहा है anas@gmail.com, तो आई एम श्योर कि ये यही प्रोफाइल है और 3E5 ये भी मैं मेक श्योर कर लेता हूँ डेटाबेस में जाके कि अनस अनस नाम की जो प्रोफाइल है उसका ये जो आईडी है वो यही है। अच्छा ये मैं कैसे सर्च करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स और ये जो है मेरे पास यहाँ ऊपर लिखी हुई आईडी ये ला के यहाँ पे मैं ओके इसको मुझे ऑब्जेक्ट आईडी बना के देना होता है, ऑब्जेक्ट आईडी सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ तक की तो कहानी बिल्कुल सेट है। यानी इस पेज पर जो मैं आया हूँ और जो आईडी लेकर आया हूँ वो आईडी बिल्कुल सही है, उस आईडी से प्रॉपर मुझे ये चीज़ गेट हो जाती है। अच्छा अब मैं जो एक नया मैसेज क्रिएट करूँगा, मैं ABC लिखकर सेंड का बटन दबाऊँगा तो वो क्रिएट हो चुका है मैसेज और मुझे यह नज़र भी आ गया। अब मैं डेटाबेस में जाकर देखता हूँ कि क्या वो इसी आईडी के अगेंस्ट वो मैसेज क्रिएट हुआ है और उसके साथ जो मैं आईडी डली है वो मेरी आईडी ही है या कुछ और है। ठीक है अच्छा इसको मैं इनवर्स प्रोपोर्शन में ज़रा उठाने की कोशिश करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भाई जो सॉरी एक तो यार ये जूम इन हो जाता है ये हाँ। अच्छा तो हमारे पास जो है मोर ऑप्शंस में मैं सॉर्ट बताऊँगा इसको कि सॉर्ट में ना _ID जो है वो -1 हो जाए। सही है इससे क्या होता है कि वो अपोजिट सर्च करके लाएगा। तो ये है वो मैसेज जो मैंने अभी क्रिएट किया है ABC लिखकर। सही है अब इसमें फ्रॉम में ना मेरी आईडी होनी चाहिए। सही है अब देख लेते हैं कि फ्रॉम में मेरी आईडी है। अच्छा टू में तो सही है, परफेक्ट है आईडी, बिल्कुल ठीक है टू की जो आईडी है वो बिल्कुल सही है ना। टू में यही आईडी लिखी हुई थी जिसमें लास्ट में 3E और 5 है। ठीक है 3E 5 है लास्ट की, टू की आईडी तो सही है। अच्छा फ्रॉम की आईडी जो है वो मेरी आईडी होनी चाहिए। अच्छा मेरी आईडी के लास्ट में क्या आ रहा है इसमें 6B84 आ रहा है, ये मेरी आईडी है। तो मैं कैसे ये मेक श्योर करूँगा कि ये मेरी आईडी है, मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे शायद मेरी आईडी दिख जाएगी। बड़े ये क्या हो रहा है सही है 6B8 दिख रही है। अच्छा तो अब मैं यहाँ से जो मैसेज भेजता हूँ और सेंड का बटन दबाता हूँ जब मुझे मेरे मैसेज दिख रहे हैं तुम्हारे नहीं दिख रहे हैं और तुम्हें तुम्हारे दिख रहे हैं मेरे नहीं दिख रहे हैं, ये मुझे समझ आ गया क्यों हो रहा है मुझे समझ आ गया क्यों हो रहा है। देखो बताता हूँ अभी मैं क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि जब मैं मंगवाता हूँ ना गेट मैसेजेस और मैं कहता हूँ कि ये वाले मैसेज सारे लेकर आओ जो इस बंदे के साथ हुए, तो इसकी API मैंने लिखी है गलत। वो API मैंने गलत इसलिए लिखी है, वो API गलत मैंने लिखी है, कहाँ गई ये रही। मैंने कहा है कि भाई फ्रॉम में ना मेरी आईडी हो वही लाओ, लेकिन तुम जो मैसेज भेजोगे उसमें फ्रॉम में तो तुम्हारी आईडी होगी इसलिए नहीं आ रही, वो समझ आई।
तो अब मुझे ऐसी सेटिंग बनानी है कि फ्रॉम में मेरी या तुम्हारी हो तो भी ले आए, और टू में मेरी या तुम्हारी हो वो भी ले आए। यार एक मिनट में कॉल लूँ भाई। हेलो हेलो यार, अभी क्लास ख़त्म नहीं की है मैंने, क्लास में 15 मिनट में ख़त्म करूँगा और उसको 15 मिनट मुझे आने में भी लगेंगे, ठीक है वेट करो कोई मसला नहीं। अच्छा तो अब ना मुझे ये देखना है कि मोंगोस के अंदर क्वेरी करते हुए और का ऑपरेटर कैसे लगता है ना। अब मुझे यहाँ पे वो ऐसे वाला और तो चलेगा नहीं, ऐसे करके और तो मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे डेटाबेस का और का ऑपरेटर पता लगाना है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा मोंगोस और ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ और भी सीख गए अभी कि और का ऑपरेटर कैसे चलता है मोंगोस में। अरे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक क्यों नहीं आता, ये रहा, ठीक है। डॉलर और, अच्छा डॉलर और करके ना आप क्या करते हो, बताते हो कि भाई डॉलर और करके या तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, ऐसे करके आप बताते हो, ठीक है। अच्छा ये मोंगो डीबी की डॉक्यूमेंटेशन है, मोंगो डीबी की और मोंगोज़ की खुद की डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगी, क्वेरी बिल्कुल सेम होती है इसके अंदर, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ यार मैंने मैसेज तो छोड़ा है तुम्हें, कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा, ठीक है। यार अभी क्लास ख़त्म नहीं की है, 15 मिनट में करूँगा ख़त्म में, ठीक है 15 मिनट फिर आने में लगेंगे। चलो अल्लाह हाफिज़। वेल अच्छा जी, तो अब मैं फाइंड में कैसे करके लगाऊंगा, मैं ऐसे और करके लगाऊंगा। तो मैं इस वाले फाइंड को रोक देता हूँ, बल्कि रोकूंगा क्यों, इसी में करूँगा ना। हाँ ड्राइवर तो सेम है ना, देखो मोंगोस हमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या देता है, मोंगोस हमें एक्स्ट्रा चीज़ ये देता है कि हमें वो ये लगवा देता है, क्या कहते हैं, वैलिडेशन वगैरह करवा देता है हमारी, सही है। तो ये मैंने और करके एक एरे दिया है इसको, सही है, और एरे में कॉमा करके ना मैं यही चीज़ इसको एक और दे दूँगा, सही है। मुश्किल नहीं है, आसान है ये, जो पहले मैंने सिंगल क्वेरी दी थी ना, अब मैं डॉलर और करके उसको 2 3 4 क्वेरी दे दूंगा कि इनमें से किसी भी क्वेरी से मैच करे तो वो ले आओ। अच्छा अब इस वाली क्वेरी में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट करना पड़ेगा सेकंड वाली को, सही है। सेकंड वाली को मैंने अपोजिट किया कि फ्रॉम में मेरी आईडी हो तो टू में उसकी होनी चाहिए, सामने वाले की बंदे की, और अगर फ्रॉम में सामने वाले की आईडी तो टू में मेरी होनी चाहिए। तो अब ये मुझे दोनों जो है ना वो ला कर देगा, ठीक है। ये जो है मिस्टेक थी एक अदद जो हमने सेट कर ली है। अच्छा इसको जो है मैं जब तक सर्वर पे नहीं भेजूंगा ये साइक्लिक पे आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो मैं ज़रा क्या करता हूँ एक तीसरा यहाँ पे खोलता हूँ, स्प्लिट टर्मिनल बैश, और मैं सीडी वेब करता हूँ इसमें, डिंग 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 डिंग, npm run build new build। सही है जी, ये चीज़ मैंने साइक्लिक पे भी भेज दी है और मेरे पास भी यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो होपफुली मुझे ये तुम्हारे मैसेज और मेरे मैसेज दोनों दिखा रहा है। सही है, सम न्यू मैसेज, और अभी बगैर रिफ्रेश किए मुझे कोई मैसेज नहीं दिखता। हाँ, चेरी क्या होता है? चेरी ऑन द टॉप, वो नहीं हमने लगाया। अच्छा, अभी एक और भी चीज़ होती है, जो लेटेस्ट मैसेज है ना वो सबसे लास्ट में आता है, डाउन आ रहा होता है। ठीक है, हमें लेटेस्ट वाला मैसेज भी टॉप पे मंगवाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट करके इसको कुछ ना कुछ सेटिंग बिठाएंगे। मैंने कहा कि यार डॉट सॉर्ट, और मैंने कहा कि आईडी जो है मेरी अंडर स्कोर आईडी, इसको ये माइनस वन कर दो आप। ऐसे ही होता है ना, अरे यार ये सॉल्ट कैसे लगता था, भूल गया मैं। हाँ चलो सही आ गया इसको। तो अब मेरे पास जो सबसे जो टॉप वाला मैसेज है वो टॉप पे आएगा मुझे। अच्छा चलो भाई, अब तुम एक मैसेज भेजो वहाँ से, क्या लिख के भेजा है बताना। हाँ भाई, क्या लिख के भेज रहे हो? हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, दो मैसेज आया, एक हेलो वर्ल्ड स्लैश और एक हेलो वर्ल्ड फ्यू सेकंड्स अगो। तो ये हमारी कन्वर्जेशन काइंड ऑफ स्टार्ट हो गई है। अब इस कन्वर्जेशन में हमें एक तो इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी करनी है कि भाई रेसिपिएंट का मैसेज एक तरफ दिखे और सेंडर का एक तरफ दिखे। दूसरा काम ये करना है कि वो खुद से दिखे मैसेज, ठीक है, और ख़ुद से जो दिखेगा हम वो रिफ्रेश करके नहीं करवाएंगे, हम पुल नहीं करेंगे मैसेज को, ठीक है, हम उसको सॉकेट के ज़रिए हम करवाएंगे इंशाल्लाह। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा साइक्लिक वगैरह के चक्कर में ज़ाया हो गया और मैं ज़रा जाना भी है मैंने, अदरवाइज़ 15 मिनट ऊपर हम जा सकते थे लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है चलो, कोई सवाल? अभी तो वो चेक करना तुम अभी तुम्हें पता चल गया ना वो फिक्स है इसका, तो डेस्टिनेशन हटा के चल तो रहा है वो, बट जब फाइल सेव करने की बारी आएगी तो वो क्या करेगा, क्या वो उस वक्त एरर दे देगा? अगर तो वो उस वक्त एरर देता है तो फिर उसका हम देखेंगे क्या करना है। बट सब लोगों ने ये बोला है कि स्लैश टेम्प में करोगे ना तो हो जाएगा। सही है, अब समझ रहे हो बात, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि वो स्लैश टेम्प में करें। एक तो तुम्हारी वाली बात है कि यार क्योंकि मैं स्लैश टेम्प लगाता हूँ तो मेरे पास वो एरर दे देता है। स्लैश टेम्प का मतलब होता है रूट पर जाके टेम्प्रोरी फाइल में, तो मुझे कह रहा है कि यार आपको इसका एक्सेस नहीं है, फिर मुझे सूडो करके रन करना पड़ेगा अपनी ऐप को, जो कि मुनासिब नहीं होता क्योंकि कहीं भी सूडो करके रन नहीं होता। सूडो करके रन करूँगा मुझे वो परमिशन मिल जाएगी, समझ रहे हो बात। तो अगर तो वो फाइल कुछ बनाते वक्त अभी भी एरर दे रहा है कि नहीं यार आपको परमिशन नहीं है बनाने की फ़ाइल, तो इसका मतलब है मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि टेम्प में जाके वो फाइल बने। अच्छा, ये इसका ना इशू भी क्रिएट कर देना मल्टर की रिपोजिटरी में जाके। सही है, ये ज़रूर कर देना, ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इशू क्रिएट कर देना और डिटेल्ड इशू क्रिएट कर देना। सही है, डिटेल्ड में ये होता है कि तुम्हारा नॉट जेएस का वर्जन कौन सा है, तुम्हारा जो गिटहब का वर्जन कौन सा है, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, तो ये सारी चीज़ें लिख देना उसमें। फिर उसमें प्रॉपर अपना कोड लिखना कि यार ये मेरा कोड है, इसमें जैसे ही डिप्लॉय करते हैं एरर दे देता है। अगर मैं डेस्टिनेशन हटा दूँ तो डिप्लॉय करते हुए एरर नहीं आता लेकिन फाइल क्रिएट करते हुए एरर आता है। और फिर ये भी बता देना मैंने सर्च किया था तो स्लैश टेम्प में वो लोग कह रहे हैं सेव करो, लेकिन स्लैश टेम्प करता हूँ तो मेरे पास पीसी में ही एरर आ जाता है मेरे केस में। अब तुम्हारे केस में जो हो तुम वो लिखना, ठीक है, उनको लिखना कि मैक में जब हम सेव करते हैं ना स्लैश टेम्प लगा के तो पीसी में चलने में ही एरर आ जाता है, क्लाउड पे तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो पीसी पे भी चले, लोकल डेवलपमेंट में और क्लाउड पे भी चले। ठीक है, ये बात रिकॉर्ड भी हो गई है, नहीं समझ आया तो यहाँ से सुन लेना एक दफ़ा इसको, और ये इशू क्रिएट कर देना जात से जाइए। सही है, चलो अल्लाह हाफिज़।